हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज हिमांशु। वेलकम टू फॉरवर्ड कोचिंग क्लासेस। आज हम मनोविज्ञान के उपागम को पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का इतिहास लेकर आया था, और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मनोविज्ञान के उपागम लेके आया हूँ लेकर आऊँगा। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने मनोविज्ञान के उपागम लेके आया हूँ। मैंने 7 उपागम ले लिए हैं। संरचनावाद, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि स्ट्रक्चर, सॉरी ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, चलिए स्ट्रक्चरलिज्म। देखें अब आएगा प्रकारवाद, इसको क्या बोलेंगे फंक्शनलिस्ट, यानी फंक्शन की तरीके से जो कार्य करता है उसको प्रकारवाद बोलेंगे, फंक्शनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आएगा संज्ञानवाद। संज्ञानवाद को बोलेंगे कॉग्निज्म, यानी कि कॉग्निटिविज्म भी बोल सकते हैं, कॉग्निज्म भी बोल सकते हैं। कॉग्निज्म, फिर आएगा व्यवहारवाद। इसको व्यवहार को क्या बोलते हैं, व्यवहार को बोलेंगे बिहेवियरिज्म। क्या बोलेंगे, बिहेवियरिज्म। फिर आएगा समग्रवाद, यानी कि इसको बोलेंगे गेस्टाल्ट, जो सब कुछ इकट्ठा करेगा। मानवतावाद, इसको बोलेंगे ह्यूमैनिज्म। देन मनोविश्लेषणवाद, इसको बोलेंगे साइको एनालिसिस। क्या बोलेंगे, साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल थ्योरी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला लेते हैं संरचनावाद। देखिए संरचनावाद, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर ही कि जो संरचनावाद है इसके जो प्रवर्तक हैं यानी इसको इसके प्रतिपादक जो हैं वो कौन है, वो है विलहम वुंड। कौन है, विलहम वुंड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1879 में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की पाठशाला, मनोविज्ञान की पाठशाला को स्थापित किया। इन्होंने एक कॉलेज खोला था जिसके अंदर मनोविज्ञान की स्टडी की जाती है, और इनके हिसाब से मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसी बहुत सी संरचनाएं हैं जो मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती हैं, जो मानसिक स्थितियों से लेकर बनी होती हैं। और मनोविज्ञान को इन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय होने का गौरव प्रदान किया। इनके अलावा जो इनका साथ दिया वो किसने दिया, वो दिया ईवी टिचनर ने। किसने दिया, ईवी टिचनर ने। और इन्होंने अंतरदर्शन विधि भी उपलब्ध कराई। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म। ठीक है, अब देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। कौन थे, विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स जो थे वो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। किसके, डार्विन के। और सिद्धांत का नाम क्या था, विकासवाद सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की जो प्रवृत्तियां थी उनको अपनाया, और यह बताया कि अनुभव को तत्वों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं जितना कि मन के कार्यों को जानना आवश्यक है। और उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मन क्या करता है तथा व्यवहार व्यक्तियों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। और इनके हिसाब से व्यवहार ही लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य बनाता है, वही सिखाता है कि किस तरीके का व्यवहार करना है अपनी पूर्तियों को पूरा करने के लिए। और इनको जॉन डीवी ने काफी समर्थन दिया था, यानी कि जॉन डीवी जो अमेरिकन दार्शनिक है। कौन है, अमेरिकन दार्शनिक। कौन, जॉन
डेवी, इन्होंने इसको, इस थ्योरी को क्या किया था, समर्थन किया था, इस थ्योरी का समर्थन किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो कौन सी है, वो है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानवाद। अब देखिए, संज्ञानवाद की बात की जाए तो संज्ञान का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले संज्ञान का मतलब होता है मस्तिष्क, क्या होता है, दिमाग। संज्ञान को क्या बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, ठीक है। और संज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं पियाजे और एडवर्ड टॉलमैन। तो बात करते हैं, लिख लेते हैं, जीन पियाजे और एडवर्ड टॉलमैन। लेकिन मेन नाम इनका जो आता है वो पियाजे का ही आता है, क्योंकि पियाजे ने ही कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान के ऊपर बात की थी, और 20वीं शताब्दी में इस विचारधारा का जन्म हुआ था। कौन सी शताब्दी, 20th सेंचुरी में इन्होंने संज्ञानवाद का जन्म जन्म किया था। और इस उपागम के अंदर यानी कि इसका इसके अंदर क्या था कि इन्होंने बताया कि संज्ञान का मतलब मानसिक प्रक्रिया, यानी कि संज्ञान का मतलब मानसिक प्रक्रियाएं, कि हमारे पास जो भी कुछ समस्याएं आती हैं हम उनको क्या करेंगे, अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे, दिमाग का उपयोग करेंगे। तीसरा हमारा आता है संज्ञानवाद। देन नेक्स्ट अब आता है व्यवहारवाद। तो देखिए, व्यवहारवाद के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद क्या होता है, यानी कि जो व्यवहार का अध्ययन करेगा, कहने का व्यवहार के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो देखिए, व्यवहारवाद को किसने जन्म दिया, यानी व्यवहारवाद की अगर मैं बात करूं रचना किसने की, तो व्यवहारवाद की रचना की जे बी वॉटसन ने। और इनको समर्थन दिया, इनको समर्थन किस किसने दिया, इनको समर्थन जो दिया वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया, सॉरी थॉर्नडाइक ने दिया, आपका आपके स्किनर ने दिया, आपके पैवलव ने दिया। क्योंकि जितनी भी थ्योरीज आई थी व्यवहार के ऊपर आई थी, जो SR थ्योरी अगर आप आगे पढ़ेंगे, RS थ्योरी, SR थ्योरी, ये सभी की सभी। और व्यवहारवादियों ने जन्मजात जो प्रवृत्तियां थी उनके अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया कि व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य यानी कि जो ऑब्जर्वेबल चीज है, कौन सी, ऑब्जर्वेबल देन मेजरेबल, इन दोनों के माध्यम से जानने का प्रयत्न किया। व्यवहारवादियों ने स्टिमुलस तथा रेस्पॉन्स दोनों पर बल दिया, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी की भी स्टिमुलस यानी कि किसी की उत्तेजना हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका रेस्पॉन्स बढ़ेगा, घटाते हैं तो घटेगा, बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, दोनों के दोनों रिलेशन ही आएगा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पर। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पता चल गया आपका DSSB का एग्जाम है, तो अब आपको एक स्टिमुलस मिल गया, आपको पता है कि आपको इस नौकरी को पाना है, तो इस नौकरी को पाने के लिए आप क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे। और देखिए, तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन आप कंफर्म पाएंगे तो आपकी तैयारी औरों से अच्छी होगी और औरों से बिल्कुल अलग होगी। अब व्यवहारवादियों ने एक चीज और की कि व्यवहारवादियों ने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में जो वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको नकारते हुए क्या किया, उन्होंने केवल वातावरण पर प्रभाव दिया, उन्होंने वातावरण को ही महत्व दिया। व्यवहारवादियों ने किस पे महत्व दिया, वातावरण पर महत्व दिया, वातावरण पर। और देखिए, व्यवहारवादियों ने अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन इन पर भी जोर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आएगा हमारा समग्रवाद। क्या आएगा, समग्रवाद, इसको बोलते हैं गेस्टाल्ट। क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट बोलते हैं। देखिए, इसका जन्म कब हुआ, इसका जो जन्म हुआ वो हुआ 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में। और 20वीं शताब्दी में जब इसका जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ, जर्मनी में हुआ। 20वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ जर्मनी में, और जर्मनी के मनोविज्ञान जो थे उन्होंने ही गेस्टाल्ट का मतलब गेस्टाल्टवादों की खोज की थी। और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्णता,
यानी कि किसी भी चीज को पूर्ण रूप से देखना, पूर्ण रूप से देखना, ये होता है गैस्टाल्ट का मतलब। देखिए पूर्ण रूप से आपने देखा, पूर्ण रूप से देखने का मतलब कि अब आप इसको अर्थ अर्थगत रूप से देख रहे हैं, यानी जिसका कोई मतलब है, जिसको कोई मतलब है, अर्थगत रूप से देखना। देखिए आगे बात करूं तो इसका समर्थन यानी कि इसको किसने दिया, ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, अगर मैं बात करूं तो गेस्टाल्ट थ्योरी को सबसे पहले गेस्टाल्ट थ्योरी को दिया वर्दाइमर, कोहलर और कॉफा। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, कोहलर, कॉफका और वर्दाइमर। मैं इसका इनका पूरा नाम भी आपको शेयर कर दूंगा, वर्दाइमर। ये तीन हैं जिन्होंने गैस्ट्राल को जन्म दिया और इन्होंने कहा कि गैस्ट्राल का मतलब है पूर्ण रूप से देखना, किसी भी चीज़ को अर्थगत रूप से देखना, और ये जो गैस्ट्राल्टवादी हैं ये व्यवहारवादी नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि ये बिल्कुल व्यवहारवादी नहीं होते, ये संज्ञानवादी होते हैं, ये मतलब संज्ञान पे ही जोर देते हैं। जैसे कि आपकी प्याजी की मैंने अभी आपको बताई थी संज्ञानवाद, ये कहीं ना कहीं उनके जैसा ही काम करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से देखते हैं। और इन्होंने इनसाइड थ्योरी भी दी, यानी कौन सी थी, इनसाइड थ्योरी, अंतर दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति को या वस्तु को पूर्ण रूप से देखा जाता है, ना कि टुकड़ों में, और इन्होंने हमेशा ही किसी भी परिस्थिति को पूर्ण रूप से देखा, टुकड़े में नहीं देखा। इनकी एक स्टोरी भी है जो मैं आपको लर्निंग के में पढ़ाऊंगा कि इन्होंने एक चिंपैंजी पर ये एक्सपेरिमेंट किया था और पूर्ण रूप से देखने की मतलब आगे कोशिश की थी। नेक्स्ट जब आएगा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है मानवतावाद। क्या आता है, मानवतावाद। अब देखिए मानवतावाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो हैं अब्राहम मैस्लो। कौन है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट, ये तीन। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने यानी कि इनकी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा ने किस बात पे जन्म लिया, कहा कि इस विचारधारा में व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता, विभिन्नता मतलब जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो, एवं व्यक्तिगत मूल्य के जोर पर अस्तित्व पर जोर दिया। यानी कि देखिए मानवता की बात कर रहे हैं तो यानी कि सिर्फ मानव की बात करेंगे, इसमें मानवतावाद में क्या किया कि उसकी इच्छा और उसके जितने भी डिफरेंसेस होते हैं वो, और उनके मूल या मनुष्य के मूल, उनके अस्तित्व पर जोर दिया, और उनके अस्तित्व पर जोर देकर ही इनको मानवतावाद कहा गया। नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणवाद। क्या आता है, मनोविश्लेषणवाद। मैंने आपको बताया था कि जो मनोविश्लेषणवाद है उसके प्रतिपादक कौन है, उसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। मैंने कल ही आपको इसी वीडियो में बताया था कि इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने जो अपने मन है, जो हमारा मन है, उसकी तुलना किससे की थी, उसकी तुलना इन्होंने बर्फ के टुकड़े से की थी, यानी कि आइसबर्ग से की थी। देखिए मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है और ये लहरों के अंदर है, तो देखिए जब बर्फ का टुकड़ा इन्होंने लहरों के अंदर बताया तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि 9/10 जो भाग है वो पानी के अंदर है और 1/10 भाग मान लीजिए पानी के बाहर है। तो जैसा कि अब ये पानी के अंदर है, तो जो पानी के अंदर का जो हिस्सा है यानी कि जो बिल्कुल अंदर है उसको क्या बोलेंगे, अनकंसियस। क्या बोलेंगे, अनकंसियस यानी कि अचेतन। क्या बोलेंगे, अचेतन मन बोलेंगे। और जो पानी के बाहर है बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चेतन। क्या बोलेंगे, चेतन यानी कॉन्सियस। अब पानी के बाहर और अंदर दोनों की बात हो गई, लेकिन जो पानी की ऊपरी सतह पर यानी कि यहाँ जो बार बार आ रहा है और जा रहा है बाहर अंदर, उसको क्या बोलते हैं, अर्ध चेतन यानी कि सब कॉन्सियस। क्या बोलेंगे,
कॉन्शियस। देखिए इसका मैं जिक्र आपको जितने भी जब विधियां आएंगी मैं वहां पे कराऊंगा जरूर, बट फिर भी मैं आपको आज बता देता हूँ। और देखिए अब कॉन्शियस की बात करें यानी कि चेतन में, यहाँ पर चेतन की बात करें यानी कॉन्शियस की बात करें, चेतन के स्तर, तो चेतन के स्तर बताए 3 तरीके के। एक बताया इन्होंने चेतन, फिर अर्धचेतन और फिर अचेतन, यही 3 स्तर हैं चेतना के स्तर, कॉन्शियसनेस के स्तर। देखिए चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 हैं। एक ये बताया चेतन, इसको बोलते हैं अर्धचेतन। क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। और सबसे नीचे आया अचेतन, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। इनके बारे में बताया। तो मैं चेतन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि चेतन वो चीज जो पानी के ऊपर तैर रही है, मतलब पानी के ऊपर है। तो इसके अंदर योजना बना लेते हैं, अपने विल पावर को बढ़ा लेते हैं और निर्णय ले सकते हैं, यानी फैसला ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अर्धचेतन के अंदर क्या करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन बात करते करते हम एकदम से भूल जाएंगे कि हमें क्या बात करनी है, हम लोग हकला जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो आधा चेतन में होता है और आधा अर्धचेतन, सॉरी अचेतन में होता है। यानी कि हम लोग पूरी तरह से ना चेतन में होते हैं और ना अचेतन में, यानी ना कॉन्शियस माइंड में होते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, हम लोग बीच की स्थिति में होते हैं। और ये जो कंडीशन आती है हमारी, इस कंडीशन की वजह से ही हम लोग कभी कभी बातों को बोलते बोलते ही भूल जाते हैं। फिर आता है अचेतन। क्या आता है? अचेतन, यानी कि लास्ट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी विचार होते हैं और जितने भी अनुभव होते हैं हम उनको चेतना में नहीं लाते। और अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो जैसे कि हमारी हैबिट्स और पैटर्न, यानी कि हमारी जो आदतें हैं, पैटर्न यानी कि जो प्रतिमान है, यानी हमारे जो इमोशंस हैं, ये सब इस भाग के अंदर आते हैं। हम लोग जल्दी अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाते हैं। तो ये है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको जितने भी उपागम थे ऑलमोस्ट बता दिए हैं। किसी भी उपागम में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगी है। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और COVID-19 से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखे होंगे, और बिल्कुल हाथ वाथ धोकर, सैनिटाइज होकर बहुत अच्छी तरीके से आप रह रहे होंगे और DSSVP RTE की तैयारी भी कर रहे होंगे। थैंक यू।